दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, वन्य जीवों के संरक्षण एवं उनके विकास के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई। इसी अधिनियम को मध्य प्रदेश में दुर्लभ प्रजातियों के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1974 में मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सबसे पहले कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना हुई। भारत देश में सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को लोनली प्लेनेट समूह के द्वारा 9 मई 2016 में सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य में 11 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन 28 दिसंबर 2018 को श्योपुर के पालपुर कूनो वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देकर इसे मध्य प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क बना दिया गया। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें 6 राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला व बालाघाट जिले में 1 जून 1955 को स्थापित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी व छिंदवाड़ा जिले में स्थापित है। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 257.3 वर्ग किलोमीटर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1992 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थापित है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 1536 वर्ग किलोमीटर है। यह 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना व छतरपुर जिले में स्थापित है। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 542.67 वर्ग किलोमीटर है। इसको 1995 में टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसको 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 524 वर्ग किलोमीटर है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1999 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी में स्थित है। इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। माधव राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 337 वर्ग किलोमीटर है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश राज्य के सीधी जिले में 1983 को स्थापित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 466.7 वर्ग किलोमीटर है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसे 18 फरवरी 1979 में स्थापित किया गया था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है। फासली जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फासली जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य के डिंडोरी जिले में स्थापित है, लेकिन जब इसका गठन किया गया था तब यह मंडला जिले में था। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क। डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थापित है। इसका क्षेत्रफल 89.74 हेक्टेयर है। इसे 2011 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ओंकारेश्वर नेशनल पार्क। ओंकारेश्वर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थापित किया गया है। यह उद्यान 2004 से निर्माणाधीन है। इसका कुल क्षेत्रफल 651 वर्ग किलोमीटर का होगा। पालपुर कुनो नेशनल पार्क।
पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के श्योपुर जिले में है। इसको 28 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व घोषित किए गए राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।